मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आज कच्छना धोरडो खाते देश की रक्षा करता जवानों साथे मनावशे दिवाली नो पर्व। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी पण उजवणी में थशे सहभागी। तो तिरंगानी थीम पर आधारित कार्यक्रम में सेनानी त्रणेय पांखना जवानों तेमज गुजरात पुलिसना जवानों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कराशे प्रस्तुति। अमदावाद सहित राज्यभरना ऑटो रिक्षा चालकों की भाड़ा संबंधी समस्यानो आव्यो सुखद अंत। नवा वर्ष थी नवु भाड़ू लागू थता रिक्षानु मिनिमम भाड़ू रूपया 18 चुकवू पड़शे। वाहन व्यवहार मंत्री पूर्णेश मोदी साथे ऑटो रिक्षा एसोसिएशन की बैठक बाद लेवायो तमामना हितमा निर्णय। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 दिवसीय इटली अने ब्रिटनों सफल प्रवास पूर्ण करी स्वदेश परत फर्या। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फरन्सिंग माध्यम थी ओछू रसीकरण थयेला राज्यों 40 वधु जिला अधिकारीओ साथे करशे बैठक। झारखंड मणिपुर नागालैंड महाराष्ट्र अने मेघालय सहित राज्यों अधिकारीओ रहेशे हाजर। विश्व आरोग्य संस्था की टेक्निकल समिति की आज मळनारी बैठक में भारत में विकसित कोवैक्सीन रसीना इमरजेंसी उपयोग करवानी दिशा में लेशे निर्णय। आ समूहे वैक्सीन निर्माता कंपनियों पासे थी 26 ऑक्टोबरे मांग्यु हतु वैक्सीन अंगे वधु स्पष्टीकरण। देश में अत्यार सुधी में 107 करोड़ 29 लाख थी वधु कोरोना रसीना डोज अपाया। तो गत 24 कलाक में देश में 11,903 केस नोंधाया जारे 14,159 दर्दियों थया साजा। तो मंगलवारे राज्य में कोरोना ना नवा 30 केस सामे 27 दर्दियों थया साजा। देश में कोरोना सामेनो रिकवरी दर थयो 98.21%। रमतगमत मंत्रालय करी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की जाहरात। नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, मिताली राज सहित 9 अन्य खिलाड़ियों ने मळशे खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खिलाड़ियों ने करशे सम्मानित। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव पर्व की उजवणी। 9 लाख दीवड़ाओनी रोशनी थी झळहळशे सरयू नदीना तमाम घाट। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक महानुभावों अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में रहेशे उपस्थित। कच्छना धोरडो में 1 नवम्बर थी शुरू थयेलो रण उत्सव राज्य सहित देश अने दुनियाना प्रवासियों माटे बन्यो आकर्षणनु केन्द्र। फेब्रुआरी 2020 सुधी चालनारा रणोत्सव में 350 वधु टेन्ट साथे अनेक आकर्षणों। सहेलाणीओ ने मनोरंजन नी साथे कच्छ सहित गुजरातनी परंपरा अने संस्कृतिना करावाय छे दर्शन। भारतीय शेयर बजारना कारोबारी सप्ताहना त्रीजा दिवसे तेजीनो माहौल। सेंसेक्स 60,000 थी वधुनी मजबूत सपाटीए खुल्यो तो निफ्टी पण 18,000 नी नजीकनी सपाटीए करी रह्यो छे कारोबार। बैंक, फाइनांशियल, मेटल, आईटी अने रियाल्टी सेक्टरमां जोवा मळी तेजी। અને આઈસીસી T20 વિશ્વકપમાં આજે ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની ટીમ હશે આમને સામને। સેમીફાઇનલમાં પહોંચવા માટે વિરાટ સેનાએ અબુધાબીના મેદાનમાં અફઘાનિસ્તાનની ટીમ સામે હાંસલ કરવી પડશે મજબૂત જીત।